नमस्कार, हिमालय रॉकेट स्टोर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपने प्रोडक्ट्स और उनके कंपोनेंट्स की इन्फॉर्मेशन देंगे। अवेलेबल है इको वन, इको टू और इको थ्री। धुएं की निकासी के लिए हमारे पास दो तरह की पाइप्स अवेलेबल हैं, जो 5 इंच डाया और 22 गेज की हैं, एक MS और एक GI। हॉरिजॉन्टल इंस्टॉलेशन के लिए हमारे पास एल्बोज भी अवेलेबल हैं और विंड कैप भी। फ्लोर को हीट से बचाने के लिए हमारे पास दो तरह की ट्रेज अवेलेबल हैं, सिंपल और डेकोरेटिव, जिसमें एश्ट्रे भी अवेलेबल है। पहले एग्जॉस्ट की जगह पर पानी गर्म करने के लिए हमाम का ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये 12 लीटर का हमाम है और एक 25 लीटर का हमाम भी हमारे पास अवेलेबल है। मेटल डोर की जगह पर आपके पास ग्लास डोर का ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिसे आप मेटल डोर को रिमूव करके ग्लास डोर को लगा के इस तरह से फिट कर सकते हैं। तीनों स्टोव के कंपोनेंट्स बिल्कुल सेम हैं, तो हम आपको इको वन पर इसके सभी कंपोनेंट्स की जानकारी देंगे। स्टोव के दो मेन हिस्से हैं, प्राइमरी कम्बशन चैम्बर और सेकेंडरी कम्बशन चैम्बर। ये प्राइमरी कम्बशन चैम्बर का टॉप लिड है, जिसमें से आप राउंड लिड को हटाकर बर्तन रख सकते हैं खाना बनाने के लिए। ये मेटल डोर है, जिसमें तीन एयर वेंट्स हैं। इसको खोलकर आप लकड़ी की फीडिंग कर सकते हैं। इसके अंदर ऐश ट्रे है, जिस पर आग जलती है और इसे बाहर निकालकर इससे ऐश खाली की जाती है। सेकेंडरी एयर फीडिंग के लिए ये प्रीहीट टावर है और ये SS पोर्ट है। ये सेकेंडरी एयर कम्बशन का टॉप लिड है, जिसे स्टोव की सफाई के लिए हटाया जा सकता है। ये सिरामिक वूल है, जिसकी मदद से रॉकेट ट्यूब के अंदर इंसुलेशन बनाई जाती है, जो धुएं को भी जला देती है बहुत अधिक टेम्परेचर बनाकर। एग्जॉस्ट हुड स्टोव का तीसरा मेन हिस्सा है, जिसके ऊपर धुएं की निकासी के लिए पाइप लगाई जाती है। ये हुड का लीवर है, जिसे धुएं की निकासी और टेम्परेचर कंट्रोल के लिए अप डाउन किया जाता है। पूरा रॉकेट स्टोव नट बोल्ट से असेंबल्ड है, जो सफाई और पार्ट रिप्लेसमेंट को आसान बना देता है। हर स्टोव का अपना एक यूनिक सीरियल नंबर है, जो आपको इसमें लगी सीरियल नंबर प्लेट में मिलेगा। इसमें स्टोव का ओरिजिनल लोगो और हेल्पलाइन नंबर भी अवेलेबल है। इसी के साथ आपकी स्टोव की इंट्रोडक्शन की वीडियो खत्म होती है, और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए।